कर दिया वीडियो पे क्लिक, तो आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक देखना है। मैं वादा करता हूँ कि आप जो समय मुझे दे रहे हो मैं आपका समय को बर्बाद नहीं होने दूंगा। यहाँ से आप कुछ ना कुछ अवश्य सीख के जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है और वाई बराबर दे रखा है अपने को एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स। तो पहले पर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे अपन, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो यहां हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब डी अवकलन की प्रॉपर्टी होती है कि यदि अगर प्लस में कोई संख्या है उनके अपन अवकलन करते हैं तो वो दोनों के अंदर बराबर भाग में बढ़ जाता है। तो यहां से हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब ठीक है प्लस। अब यहां से इसमें भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स टेन एक्स। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, दो फॉर्मूला का उपयोग करूंगा। तो पहले मैं उसको साइड में लिख लेता हूं। फॉर्मूला पहला क्या है, डी बाई डी एक्स वो होता है एक्स की पावर एन। यदि एक्स की पावर एन का अगर अपन अवकलन करते हैं तो क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन ठीक है। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला में लगाऊंगा डी बाई डी एक्स टेन एक्स। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में टेन एक्स का अगर अवकलन करता हूं तो क्या प्राप्त होता है मेरे को, अवकलन करने के बाद में होता है सेक स्क्वायर एक्स ठीक है। ये दो फॉर्मूले हो गए। अब इन दोनों फॉर्मूले का यूज में क्या करूंगा, यहां पे करूंगा ठीक है। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहां से हो जाएगा एक्स की पावर एन। एन के स्थान पे क्या है यहाँ पे, तो तीन आ गया जाएगा। तो तीन एक्स की पावर एन माइनस वन, यहां से एन कितना है तीन, तीन माइनस एक करेंगे तो क्या आ जाएगा दो। तो तीन एक्स स्क्वायर आ गया प्लस। यहां से टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो यहां पे फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर x। अब अपने पास में क्या आ गया, dy वाई बाई डी एक्स आ गया। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, अपने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या करना है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार और इसका अवकलन करेंगे। तो क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। अब यहां पे वापस अवकलन करूंगा मैं यहां पे, तो डी बाई डी एक्स, ये डी है तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां भी कोई प्लस के अंदर है तो दोनों तरफ बराबर भाग में बढ़ जाएगा। तो यहां पे ये तीन कॉन्स्टेंट है ये आगे आ जाएगा। तो तीन डॉट डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहां से डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब यहां भी अपन ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर, तो लेकिन यहां पे अलग से फॉर्मूला लगेगा। तो पहले तो क्या करेंगे अपन, ये वाला फॉर्मूला यहां भी लगाएंगे क्योंकि अपन मान लेंगे sec स्क्वायर sec x की जगह अपन ने मान लिया z ठीक है, ये मान लिया पहली बार में। तो यहां से अपन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर यहां से इसका अवकलन करते हैं तो इसके हिसाब से करेंगे तो n यानी कि दो आ गया जाएगा, तीन गुणा दो हो जाएगा कितना हो जाएगा छ, और x की पावर n माइनस वन करेंगे तो दो माइनस एक हो जाएगा एक यानी जो x लिख देंगे प्लस। अब यहाँ पे अपन sec की sec x की जगह z रखेंगे तो हो जाएगा z स्क्वायर, तो d बाई डी एक्स z स्क्वायर। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे अपन, इस फॉर्मूले के हिसाब से कर लेंगे ठीक है। तो इधर करते हैं, यहां हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा छ एक्स प्लस। यहां से इसके हिसाब से करेंगे तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन होगा तो यहां से आ जाएगा दो आगे, तो दो जेड। अब यहां पे क्या है, जेड है ठीक है। तो इसका एक बार और करेंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक कैसे हुआ, क्योंकि अगर इससे अवकलन आता है तो डी एक्स अपॉन डी एक्स होता है, इन जो दोनों क्या हो जाते हैं कट जाते हैं आपस में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जेड है तो ये कटेंगे नहीं, तो अपन एक नहीं लिख सकते। तो यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स रख दिया। अब अपन क्या करेंगे, जेड का मान यहाँ पे रख देंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस।
यहाँ जेड का मान रखेंगे तो दो sec x डॉट डी बाई डी एक्स sec x। अब यहाँ पे अपन एक फॉर्मूला और लगाएंगे, वो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो डी बाई डी एक्स sec x। जब भी अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sec x का अवकलन करते हैं तो क्या आ जाता है, इसका आंसर आता है sec x tan x और dx upon dx। dx upon dx लिखने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि आपस में कट के क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तो ये लिख लिया अपने फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगाएंगे इस फॉर्मूले को, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर सिक्स एक्स प्लस, ये आ जाएगा दो sec x, यहां से sec x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec x tan x डॉट sec x tan x। अब यहाँ पे sec x और sec x दो बार है तो दोनों क्या जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर सिक्स एक्स प्लस, ये दो बार है तो इनकी घात एक एक है तो दोनों जुट के क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, तो दो sec स्क्वायर x, ये दो बार है तो sec स्क्वायर x डॉट tan x। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान क्या आया, सिक्स एक्स प्लस टू sec स्क्वायर tan x, इसका डबल बार अवकलन करने पर ये मान आया। अब आशा है आपके समझ में आया होगा, यदि आपके समझ में नहीं आया हो, यदि वीडियो में कहीं भी आपको कुछ परेशानी हुई हो, यदि आपको लगता है कि आपका समय बर्बाद हुआ है तो आप वीडियो को डिसलाइक अवश्य कर सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन है, यदि आप वीडियो डिसलाइक करते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।